निगरा काबीना में किसको क्या ओहदा मिलेगा, मुमकिन नाम सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक साबिक सफारतकार जलील अब्बास जिलानी वज़ीर खारजा, सरफराज बुख्टी वज़ीर दाखिला होंगे। डॉक्टर गौहर एजाज को निगरा वज़ीर तिजारत व सनअत और सैयद मोहम्मद अली को वज़ारत इत्तला दिए जाने का इम्कान। निगरा काबीना की हल्फबरदारी आज ऐवान सदर में होगी। सदर आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। निगरा वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ भी शिरकत करेंगे। बलोचिस्तान में निगरान वज़ीर-ए-आला की नामजदगी का मामला खटाई में पड़ गया। वज़ीर-ए-आला और ओपोजिशन लीडर नामजदगी पर मुत्तफिक ना हो सके। मामला पार्लियामानी कमेटी के पास चला गया। ओपोजिशन लीडर का स्पीकर को पार्लियामानी कमेटी के क़याम के लिए मरासला। कमेटी तीन रोज में निगरान वज़ीर-ए-आला का नाम फाइनल करने की पाबंद होगी। पार्लियामानी कमेटी के लिए हुकूमत ने सरदार अब्दुलरहमान केथरान और जमर्क अचकज़ई के नाम पेश कर दिए, जबकि ओपोजिशन लीडर ने यूनस अजीज अहरी, वाहिद सदीकी और हाजी नवाज के नाम दिए हैं। ओपोजिशन लीडर ने निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए उस्मान बादीनी और अली मर्दान के नाम तजवीज़ किए। पाबंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन कोई फैसला ना कर सका, इजलास बेनतीजा रहा। एक और इजलास बुलाने का फैसला, हतमी फैसला आइंदा इजलास में होगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है 90 रोज में आम इंतखाबात के बजाय नई हल्का बंदियां करने का इम्कान है। आई मरदमशुमारी पर नई हल्का बंदियों का कहता है, इजलास में कानूनी टीम ने मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक आईनी शिकों पर ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन का मामले पर मजीद मुशावरत का भी फैसला। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी प्लान ए और बी तैयार कर दिया गया। वतन वापसी से पहले हिफाजती जमानत ली जाएगी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में इज्तिमा से खिताब करेंगे। लाहौर रैली की सूरत में रवाना होंगे। रैली नून लीग के इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा। जलसे को तारीखी बनाने का टास्क हमजा शहबाज और मरियम नवाज के सपुर्द। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। एफआईए के इंसदादी दहशतगर्दी विंग ने साइफर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया। आला अफसरान इंक्वायरी करेंगे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान जीआईटी के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करवा दिया। एफआईए हुकाम की जानिब से आजम खान से साइफर के हवाले से सवाल पूछे गए। आजम खान सवा दो घंटे से जायद तक ज्वाइंट इंक्वायरी के सामने पेश रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी और शंदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल करते हुए दोनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालती इस्तफसार पर डीसी इस्लामाबाद ने बताया कि आईबी की रिपोर्ट थी कि शहरियार आफरीदी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर हमला कर सकते हैं। जस्टिस बाबर ने इस्तफसार किया कि आपने रिपोर्ट देने वाले से पूछा नहीं कि जो जेल से कैसे लोगों को उकसा रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने आईजी इस्लामाबाद से मुकालमा किया कि हमने कानून को मजाक बना दिया है। अदालत एक फैसला करती है और आप जाकर फिर एक ऑर्डर उसके खिलाफ निकाल देते हैं। फैसले का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने नज़रबंदी से मुतालिक इंतजामिया के इख्तियारात बहाल कर दिए। डिप्टी कमिश्नर किसी भी वक्त किसी को नज़रबंद कर सकेगा। पिंडी बेंच ने 3 MPO के लिए पेशगी अदालती इजाजत की पाबंदी का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस वकार रऊफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने DC की अपील पर फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। अपील की आइंदा समाअत सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट 21 अगस्त तक परवेज इलाही की दरख्वास्तों पर फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि हाई कोर्ट 21 अगस्त को फैसला नहीं करती तो गिरफ्तारी का अबूरी हुक्मनामा मुअत्तल तसव्वुर होगा। असेंबली तहलील हो चुकी, नए इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई की दोबारा गिनती के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हल्का NA 131 लाहौर में दोबारा गिनती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस उमर अता मंदियाल ने चेयरमैन पीटीआई के वकील बाबर आवान से मुकालमा करते हुए कहा कि दोबारा गिनती की अपील तो अब गैर मौसर हो चुकी, जिस पर बाबर आवान ने जवाब दिया, इजाजत दें तो इस मामले पर चेयरमैन पीटीआई से नई हिदायत ले लूँ। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, असेंबली तहलील होने के बाद इस मामले पर मजीद क्या हो सकता है, अब नए इंतखाबात का इंतजार करना चाहिए। हुकूमत ने महंगाई के मारे आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। कीमत में 17 रुपए 50 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 20 रुपए मजीद महंगा कर दिया गया। नई कीमत बढ़कर 293 रुपए 40 पैसे पर जा पहुंची। इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रवा साल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 75 रुपए 65 पैसे का इजाफा हुआ। ट्रेन के किरायों में इजाफा, मुसाफिर ट्रेनों के किराए 10% बढ़ा दिए गए। मालगाड़ियों के किराए 50% बढ़ा दिए गए। नोटिफिकेशन जारी।
जमात इस्लामी का जुमे को मुलगीर एहतजाज का ऐलान, कीमतों में इजाफे पर आवाम फट पड़े। समझ रहते हैं कि कोई नया बंदा आता है तो वो यही उम्मीद रहती है कि कुछ चीज़ सस्ती करेगा, हमें को रिलीफ मिलेगा, लेकिन जो नया बंदा आता है वो पहले ज़्यादा ज़ालिम होता है। किसी पे कोई उम्मीद नहीं है सर। सर जी नई हुकूमत तो यही कह रही है कि आवाम को ख़त्म करना है, इनका मिशन यही है कि गरीब को ख़त्म करना इस मुल्क से। मुश्किल तो पहले ही बहुत ज़्यादा थी लोगों के लिए, लेकिन ये जो मज़ीद महंगाई करी जा रहे हैं ये तो आम आवाम के लिए बहुत मुश्किल हालात हैं। बेसिकली आम बंदा जो अब वो उसकी ना जीने की जो आरजू वो मर चुकी है। पहले ही आवाम मर रही है तो उसका तो गरीब का तो गला घुट गया। महंगाई तो बहुत ही पहले में तेज थी, अभी और पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई तो तेज होगी, गरीब बंदा क्या करेगा। बस ये महंगाई जो है ये हमारी जीवन साथी हो गई है। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा, ओपन मार्केट में डॉलर 2.50 रुपए महंगा हुआ, 300 रुपए से बढ़कर 302.50 रुपए में फरोख हुआ। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 3.42 रुपए का इजाफा, 291.51 रुपए से बढ़कर 294.93 रुपए पर बंद हुआ। IMF प्रोग्राम के बाद डॉलर की ऊंची उड़ान, 1.5 माह में रुपए की कदर में 6.5% की कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 19.06 रुपए, ओपन मार्केट में 23.50 रुपए महंगा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, ट्रेडिंग के दौरान 420 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 48,000 से जायद पर मौजूद रहा। एक और कमसिन घरेलू मुलाजमा की अंदोहनाक मौत, रानीपुर में 10 साल बच्ची पर तशद्दुद का लर्जा खेज वाकया, गैर इंसानी तशद्दुद से फातिमा जान की बाजी हार गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मासूम बच्ची को तड़पते हुए भी देखा जा सकता है। वालिदा का कहना है कि मेरी बेटी पीर असर शाह के घर मुलाजमा थी, उस पर असर शाह और उसकी बीवी ने तशद्दुद किया, फातिमा की पसलियाँ टूटी हुई मिली, जिस्म पर तशद्दुद के निशान है। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज, मुतलका SHO मुअत्तल, वाकये की हाई लेवल इंक्वायरी शुरू। सीनियर सहाफी जान मोहम्मद महर कत्ल केस में बड़ा ब्रेक थ्रू, वारदात में मुलविस 2 नामजद मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने खुफिया तिला पर छापा मारकर मुलजमान को गिरफ्तार किया, मुलजमान में बख्श अली उर्फ बख्शू महर और बाबर महर शामिल। पुलिस के मुताबिक कत्ल में मुलविस तमाम मुलजमान और सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची को हब डैम से पानी फ्राहम करने वाली केनाल में शगाफ, केनाल की मरम्मत के लिए शहर को पानी की सप्लाई रोक दी गई। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक पानी की सतह कम होने के बाद मरम्मती काम शुरू किया जाएगा, मरम्मती काम मुकम्मल होने में 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने शहरियों से पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि बल्दिया टाउन और दीगर इलाकों को S3 से पानी की फराहमी जारी है। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में पुलिस मुकाबला, 5 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक ये वाइट करोला गैंग है, घरों में घुसकर लूट मार करता है। 11B में 7 डाकू दीवारें फलांग कर घर में जा घुसे, अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार शुरू कर दी। शोर शराबे पर अहले मोहल्ला ने पुलिस को इत्तला दी, फायरिंग के तबादले में 5 मुलजमान मारे गए, 2 भाग निकले। डाकुओं का ताल्लुक अफगान डकैत गैंग से बताया जाता है। कब्जे से असला और लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया गया, CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस टीम के लिए तारीफी असनाद और 5 लाख नकद इनाम का ऐलान। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज, रवा साल के 7 माह में 51,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट, फायरिंग और पुरतशद्दुद वाकियात में 317 अफराद जाँबहक हो गए, 87 अफराद डाकू के हाथों मारे गए, 450 से जायद अफराद जख्मी हुए, शहरी 16,000 से जायद मोबाइल फोन से महरूम हुए, 30,000 से जायद मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई। तशद्दुद की शिकार रिजवाना भी चलने की पोजीशन में नहीं, वो सिर्फ उठकर बैठ सकती है। लाहौर जनरल अस्पताल में इलाज जारी, डॉक्टर्स का कहना है बच्ची को व्हीलचेयर पर कमरे से बाहर लाया जाता है। मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जोदत सलीम ने प्लास्टिक सर्जरी की तरदीद कर दी, कहा कमसिन घरेलू मुलाजमा की अभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई, प्लास्टिक सर्जरी की टीम रिजवाना का इलाज कर रही है। रिजवाना तशद्दुद केस के बाद अंदलीब तशद्दुद केस सामने आ गया, बच्ची की वालिदा बेटी से मिलने पहुंची तो मालिकन ने कमरे में बंद कर दिया, बच्ची को जान से मारने की धमकियां दी। अंदलीब का कहना है कि समरा रोज तशद्दुद करती है। वालिदा की थाना तरनौल में दरख्वास्त, सेशन कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करते हुए मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। औरंगी नाला और गुजर नाला मुतासरीन का मुआवजे और मुतबादल रिहाइश की अदम फरामी के खिलाफ एहतजाज,
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर शदीद नारेबाजी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। कल तलब सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची को भी बुला लिया। रिमार्क दिए, वजीर आला सिंध की तलबी का मामला चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद करेंगे। वजीर आला एक दो रोज के रह गए, उन्हें जेल भेजकर क्या करेंगे। पाक फौज का बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें निखारने के लिए अहम इकदाम। बच्चों के लिए वैली गाड़ी का इंतजाम। गाड़ी सड़कों पर चलती भिट्टी मोबाइल लाइब्रेरी और इन्फो इंटरटेनमेंट की दुनिया का एक अनोखा शाहकार है। हर उम्र के बच्चों की वैली में खसूसी दिलचस्पी। पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक हतमी फैसला ना हो सका। किस क्रिकेटर को किस कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बदसूर सोच विचार जारी है। रेड और वाइट बॉल की अलग अलग कैटेगरीज खत्म करने का फैसला हो चुका। खिलाड़ियों को ए, बी, सी और डी कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। तीनों फॉर्मेट्स की मैच फीस में मजमूई तौर पर इजाफा किया जाएगा। फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 38 साल वहाब रियाज ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट लीग्स पर तवज्जो मरकूज रखूंगा। पीसीबी के साथ काम करने का मौका मिला तो ज़रूर करूंगा। शुएब अख्तर के साथ कोई मुकाबला नहीं, वो लेजेंड है। 2011 का वर्ल्ड कप यादगार था। वहाब रियाज ने 27 टेस्ट, 91 एक रोज़ा और 36 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। टेस्ट में 83, वनडे में 120 जबकि T20 में 34 विकेटें अपने नाम की। फीफा वेमेंस वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच, जिसमें इंग्लिश टीम ने 36वें मिनट में बर्तरी हासिल की। वक्फे तक मुकाबला 1-0 से इंग्लैंड के हक में था। दूसरे हाफ में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने गोल करके मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। इंग्लैंड के स्ट्राइकर्स ने मैच के 71वें और 86वें मिनट में 2 गोल करके इंग्लैंड को फैसला कुन बर्तरी दिला दी। इवेंट का फाइनल 20 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान होगा। दोनों टीमें पहली बार वेमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुँची। लड़कियों की तालीम पर पाबंदी बरकरार रहेगी। तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि 2 साल मुकम्मल होने के बाद हुकूमत को अंदरूनी या बैरूनी किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं। ख़वातीन किसी तालीम से मुतालिक मज़हबी स्कॉलर्स में इख्तलाफ राय मौजूद है, इसलिए लड़कियों के स्कूल जाने से ज़्यादा अहम हम आहंगी बरकरार रखना है। तालिबान ने लड़कियों की 6ठी जमात से आगे की तालीम पर पाबंदी आयद कर रखी है। अफगान तालिबान ने वादे किए मगर पूरे नहीं किए। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं जब तक खवातीन को तहफ़ नहीं दिया जाएगा तालिबान के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकेंगे। 2 बरस में तकरीबन 34,000 अफगान शहरियों को खसूसी इमिग्रेंट वीज़े जारी किए गए। अफगानिस्तान में शराकत दारों के साथ वादों की तकमील पर पेशरफ जारी है। मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। डेरा इस्माइल खान और टांग के मुतअद्दिद गांव और पानी में डूब गए। भारत में डैम पानी से भर गए। सतलुज और ब्यास में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। कराची में मौसम बदस्तूर, अबर आलूद, शहर में बूंदाबांदी का इम्कान। अमरीकी रियासत हवाई के जंगल में आग से अमवात की तादाद 106 हो गई। आग को अमेरिका की 100 साल तारीख की बदतरीन आतिशबाजी करार दे दिया गया। जंगलात से शुरू होने वाली आग ने इमारतों को अपनी लपेट में ले लिया। अमरीकी सदर जल्द रियासत हवाई का दौरा करेंगे। गर्मी के सताए शहरियों के लिए हुकूमत की जानिब से रिलीफ। सूबे अदलिब की खेमा बस्ती में आर्जी स्विमिंग पूल का इंतजाम। बच्चों की मौजें हो गईं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड में राहत देने के लिए खेमों पर भी छिड़काव किया गया। नामवर अदाकारा अलीज़े शाह और मिंसा मलिक में लड़ाई के बाद सुलह हो गई। बात भरने पर मिंसा मलिक ने अलीज़े के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। मिंसा मलिक ने अलीज़े शाह पर शूटिंग के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाने का मौकिफ अपनाया था। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारपन, होल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। होल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौमे आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात होल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौमे आजादी का जश्न, होल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। पाकिस्तान!
बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 75 वालों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।